सुरक्षा के संदर्भ में आरटीओ को ज्वाइंट एक्टिव कमेटी संस्थापक अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल तथा भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा द्वारा चेतावनी दी गई। ज्वाइंट एक्टिव कमेटी के ड्राइवरों का कीमती समय खत्म ना हो इसके लिए अथक प्रयास करने का आश्वासन भी दिया गया। परिवहन माफिया के मुख्य अड्डे बने हुए हैं आरटीओ चेक पोस्ट, जी हाँ, जो साबित हो रहा है मौत का सौदागर। सड़क किनारे के मुख्य कारण आरटीओ है, ऐसा मिश्रा ने कहा। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा सभी प्रकार के लोगों का फर्ज और कर्तव्य बनता है। सड़क सुरक्षा व्यवस्था को ठीक रखना ड्राइवर यानी साथी भाई का कीमती समय को खत्म करने का प्रयास का काम आरटीओ चेक पोस्ट के प्रभारी अधिकारी हाईवे पर आरटीओ के कर्मचारी गाड़ी रोक कर करते हैं, चेकिंग के नाम से फिर करते हैं अवैध रूप से पैसे की वसूली। हर 100 किलोमीटर की दूरी पर जिसे ड्राइवर को काफी समय खराब हो गया है, वही ड्राइवर अपना कीमती समय की भरपाई एवं दिए गए समय पर माल को पहुंचाने का प्रयास करता है, लेकिन उसका उस समय मानसिक तनाव से भरपूर हो जाता है जिससे सड़क हादसों का वह शिकार बन जाता है। जी हाँ, इसी तरह से लाखों लोगों की जिंदगी हर दिन खत्म हो रही है। उस परिवार का जीवन अंधकार में बदल गया जो सिर्फ सड़क हादसों के कारण मुख्य भूमिका निभा रहा है। परिवहन माफिया जो खुद सरकार एवं परिवहन अधिकारी करते हैं, गांव से लेकर शहर से लेकर प्रदेश तक के हर नागरिक को इस तरह के भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए जो सड़क हादसे के मुख्य कारण है। गांव को लेकर जिला एवं प्रदेश की बदनामी, राजस्व को भारी संख्या में नुकसान, लाखों लोगों को रोजगार सड़क मार्ग से खत्म, भयमुक्त सफर तय करना मुश्किल होगा, ऐसा वक्तव्य ज्वाइंट एक्टिव कमेटी संस्थापक अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल तथा भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा द्वारा किया गया। मैं प्रहलाद अग्रवाल, ज्वाइंट एक्टिव कमेटी का अध्यक्ष, मैंने देश हित के लिए एक यात्रा निकालने का नक्की किया है और उस यात्रा में मेरा मोटो है, वो तो उनसे अपील ही करने वाली है क्योंकि मैं ये बिजनेस करीब 60 साल से करता हूँ। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस मैं 60 साल से करता हूँ और जिस वक्त इनको 10 एक आना या चवन्नी दी जाती थी वो मेरे को समय याद है। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो आटे में नमक की तरह चीज़ ड्राइवर भाइयों से लेते थे क्योंकि उनके भी खर्चे हैं, उनको भी रोड पे रहना पड़ता है, खाना भी बार बार खाना पड़ता है, तो वो अपना परिवार चलाने के लिए जितना चाहिए उतना ही ले, न कि लूट का लेके अपना घर भरे। एक हमारी उनसे रिक्वेस्ट ये है। दूसरी, वो गाड़ी को बिल्कुल न रोकें जिससे कि माल लेट होता है और रोड एक्सीडेंट होते हैं। वो दूसरा हमारा उनको ये समझाना है कि भाई आप गाड़ी को डीले करोगे फिर ड्राइवर गाड़ी भगाएगा, रोड एक्सीडेंट होगा। वो हम उनसे अपील कर रहे हैं कि भाई आप गाड़ी को मत रोकिए, जो भी आपको करना है 5-10 मिनट में करके उस गाड़ी को आगे जाने दीजिए। और एक या दो दफ़ा हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, एक या दो दफ़ा आप ड्राइवर को समझाइए कि आप अपनी गाड़ी कंप्लीट करके लाइए जिससे कि हमको आपको तकलीफ नहीं देनी पड़े। इस तरह की हमारी ये जो रथ यात्रा निकाल लें उसमें हमारा ये एम है।